नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरों को देते हैं विस्तार। लाहौर नगर में बोध विहार स्थित भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। बुद्ध वंदना के उपरांत कार्यक्रम में बोलते हुए युवा वाहिनी प्रमुख संजीव नायक एडवोकेट ने तथागत के पंचशील के सिद्धांतों के बारे में उपस्थित जनों को बताया। संजीव नायक ने कहा कि तथागत बुद्ध द्वारा अपने अनुयायियों को दिया गया पंचशील का सिद्धांत ही सफल जीवन का आधार है। हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ ना बोलना, नशा ना करना, ये सिद्धांत सभी को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को एकजुट होकर नशे के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। बीती रात पवई रेलवे स्टेशन के पास नवयुग एक्सप्रेस की चैन पुर्लिंग करके अज्ञात बदमाशों द्वारा यात्रियों के साथ लूट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित यात्रियों ने इसकी रिपोर्ट भोपाल GRP थाने में दर्ज कराई है। ये घटना रात करीब 2:15 बजे की है। सूचना के बाद मौके पर GRP पुलिस बसौदा द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू। फिलहाल अभी अज्ञात बदमाशों का कुछ पता नहीं चल सका। रेलवे स्टेशन पवई से 2:20 पर चोरी छूटी, 2:22 पर इसकी चेन पुलिंग हुई। चेन पुलिंग करने के बाद 2 पर्स चोरी हुई इसमें, जिसकी रिपोर्ट GRP थाना भोपाल में लिखाई गई। RT केरला की और 8,000 रुपये गए। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के तहत उत्तर प्रदेश के नक्सल प्रभावित जनपद सोनभद्र में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया है। यहां रावर्ट्सगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट से 2 पूर्व सांसद समेत 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जिले में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। नमस्कार, अब हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।